हेलो वांगशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट होने वाला है। हाँ, ये फैन फिक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, लेकिन बहुत क्यूट और फनी सा था, इसलिए मेरा मन था इसको शेयर करने का। लेकिन आप वीडियो को पूरा एंड तक सुन के जाना। मैं कुछ फैन फिक्शन की छोटी छोटी सी स्टोरीज आपको बताऊंगी, जिनमें से आप मुझे बताना कि किसकी स्टोरी लाइन में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, और फिर इसके बाद मैं कल से उसी फैन फिक्शन को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? तो 4 parts हनी एंड 1 part विनेगर फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विभूषण वांगजी से कहता है, लंजा क्या फ्यूचर में इस फोरहेड रिबन की इम्पोर्टेंस खत्म हो गई है क्या? तुम मुझे इसे टच करने दे रहे हो और अपने साथ ले जाने भी दे रहे हो, पहले तो तुम मुझे टच भी नहीं करने देते थे। वांगजी उससे कहता है, फोरहेड रिबन की इम्पोर्टेंस अभी भी वही है वेइंग, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम इसे ले जा रहे हो तो। विभूषण अचानक से ब्लश करने लगता है, वो आगे बढ़ता है और वांगजी के हाथ में फोरहेड रिबन वापस देते हुए कहता है, मुझे पता है कि मैं आगे जाकर बहुत गलतियां करने वाला हूं, लेकिन मैंने ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा भी किया होगा जो फ्यूचर में मुझे हस्बैंड के रूप में लान वांगजी मिलने वाला है। वांगजी जब ये सुनता है तो वो विभूषण के और नज़दीक आ जाता है। वो एक दूसरे को ऐसे ही घूरते रहते हैं कि तभी वेइंग आगे बढ़ता है और वांगजी को उस हाथ से पकड़ के वापस खींच लेता है जिसमें विभूषण ने फोरहेड रिबन रखा था। वेइंग उससे कहता है, लंजा मैं यहाँ हूँ। वांगजी भी गहरी सांस लेता है। वेइंग वांगजी को वहाँ से बाहर ले जाता है। सिजी और जेंगे भी अपनी अपनी ड्यूटीज पर निकल जाते हैं। फाइनली उन दोनों ने एक जालस वेइंग को एक्सपीरियंस कर लिया था। जेंगे सिजी से कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आखिरकार हमने सीनियर वे को जेलस होते हुए देख ही लिया, वो भी खुद अपने आप से ही। अब जब भी हम नेक्स्ट टाइम जिनलिंग और ओयांग जजान से मिलेंगे तो हमारे पास एक स्टोरी होगी उन्हें बताने के लिए। कुछ दिनों बाद जब इंसेंस बर्नर का असर खत्म हो चुका था और विभूषण वहाँ से जा चुका था, वेइंग और वांगजी हमेशा की तरह रात के समय बेड पर लेटे हुए थे। वेइंग वांगजी के टॉप पर था। वांगजी के चेस्ट को एक पिलो की तरह यूज़ करके कंफर्टेबली उसके ऊपर लेटा हुआ था। कुछ देर बाद वो स्वीटली उससे पूछता है, लंजा मुझे सच सच बताना, जब तुमने मेरे पास्ट सेल्फ को देखा था तो तुम उसके साथ क्या क्या करना चाहते थे? मुझे पता है कि अब मेरे पास मेरी वो बॉडी नहीं है जो पास्ट में हुआ करती थी, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो अलग लगा होगा ना, काश मैं आज भी अपनी पुरानी वाली बॉडी में होता। वांगजी उससे कहता है, तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी खुद की बॉडी है। वेइंग कहता है, मैं जानता हूँ लंजा, लेकिन मेरा मतलब है कि। वांगजी उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, मुझे बस वेइंग से मतलब है, वो भी वेइंग था और तुम भी वेइंग हो, मेरे वेइंग। तो वेइंग उससे नॉटी स्माइल देते हुए कहता है, इसका मतलब तुम उसके साथ कुछ करना चाहते थे ना? वांगजी के ईयर्स एकदम से ब्राइट रेड हो जाते हैं। वेइंग उसे देखकर कहता है, लंजा तुम सच में बहुत क्यूट हो, पर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम भी समझ सकता हूँ, मैं था ही इतना हैंडसम, है ना? वांगजी उसे तुरंत अग्री करते हुए कहता है, और तुम अभी भी हैंडसम हो। वेइंग फिर उसकी चीक्स को पिंच करते हुए कहता है, तो तुम्हें हम दोनों ही एक ही टाइम पर चाहिए थे लंजा, मैं, मेरा पास्ट और तुम। वांगजी वेइंग की वेस्ट को टाइटली पकड़ लेता है। वेइंग जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है, हॉन्ग गुनजुन तुम इतने शेमलेस भी हो सकते हो, मैंने अगर तुम्हारी क्लान में किसी को बताया ना तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि हॉन्ग गुनजुन ऐसी शेमलेस बातें भी करता है। वांगजी वार्निंग देते हुए वेइंग का नाम लेता है। तो वेइंग उससे कहता है, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा लंजा, ये सब कुछ कितना इंटरेस्टिंग होता है ना, हालांकि मेरे लिए थोड़ा सा ऑड होता मुझे ही देखना, इसलिए शायद मैं ब्लाइंड फोल्ड का इस्तेमाल कर लेता, लेकिन लंजा मैं तैयार हो जाता। अब वो वांगजी के कान में चुपके से कहता है, वैसे भी मेरा पास्ट हो या मेरा प्रेजेंट हो या मेरा फ्यूचर हो, हम सब लानर गग्गा के लिए ही तो हैं। वेइंग और भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है कि वांगजी तभी उसे फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है, उसके हाथों को ज़ोर से पुश करता है और उसे सेंसलेसली किस करता है। वेइंग भी हैप्पीली अपने पैरों से वांगजी की वेस्ट को पकड़ लेता है। वांगजी भी उसकी नेक पर ज़ोर से बाइट करता है। वेइंग को पता था कि मॉर्निंग में ये मार्क्स उसे क्लियरली विजिबल होंगे। वेइंग फिर गहरी सांस लेते हुए वांगजी से कहता है, लंजा तुम्हें मेरे पास्ट सेल्फ को भी इसी तरह मार्क्स देने चाहिए थे,
जिससे जब वो वापस जाए तो वो सबको बता सके कि वो किसका है। फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ हंगुन जुन ही उसे अपना बनाएंगे। अब वांग जी उसके बॉटम को और टाइटली ग्रिप कर लेता है और उनकी एवरीडे एक्टिविटी करता है। अब वेइंग में बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं बची थी अपनी नॉटी बातों को कंटिन्यू करने की। कुछ टाइम बाद वेइंग वांग जी के ऊपर एक बुरी तरह थकी हुई बॉडी की तरह लेट गया था। उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी वो वांग जी को स्लोली स्लोली हर जगह किस किए जा रहा था। वांग जी भी वेइंग के स्वेट से भरे हुए बालों को उसके कान के पीछे लगाता है और उसके फेस को अपने हाथ से ही क्लीन करने लगता है। वेइंग तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर किस करते हुए कहता है, लमजा, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। मैं तुम्हें किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकता। मैं बहुत जेलस हो जाऊँगा। चाहे वो मेरा पास्ट ही क्यों ना हो, पर मैं उसके साथ भी तुम्हें शेयर नहीं करूँगा। ये हंग अंजन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वांग जी फिर से मुस्कुराते हुए कहता है, तुम जेलस थे? वेइंग कहता है, और नहीं तो क्या, तुम सारी की सारी अटेंशन उसे दे रहे थे। तुम अपनी नज़रें और किसी की तरफ रख भी कैसे सकते हो जब मैं पास में खड़ा हूँ तो। वैसे तुम्हें उसका कौन सा पार्ट अच्छा लगा था? वांग जी के ईयर्स फिर से रेड हो जाते हैं और वो फिर वार्निंग देते हुए वेइंग का नाम लेता है। वेइंग हंसने लगता है और उससे कहता है, लंजा, मुझे पता है कि शुरुआत में मुझे बहुत ऑड लग रहा था, लेकिन तुम पहले भी मुझे इसी तरह ट्रीट करना चाहते थे ना? तुम मुझसे वो सारी बातें करना चाहते थे। वांग जी तुरंत अपना फेस वेइंग के फेस और नेक के बीच में जो स्पेस था वहाँ छुपा लेता है और शाय फील करते हुए हाँ में सिर हिला देता है। वेइंग मुस्कुराने लगता है और वांग जी को कस के पकड़ लेता है। वो उसके कान में कहता है, लंजा, वैसे भी अब वो जा चुका है और उसे कुछ भी याद नहीं होगा जो भी ये सब हुआ। वांग जी कहता है, थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन मैं उसे बताना चाहता था कि वो अकेला नहीं है, कोई है जो उससे प्यार करता है। वेइंग इस बात पर बहुत इमोशनल हो जाता है और एक बार फिर वो वांग जी को खुशी से गले लगा लेता है। वांग जी की सैंडलवुड स्मेल में खो जाने के बाद वेइंग फिर हंसते हुए वांग जी के शोल्डर्स पर किस करता है और उससे कहता है, लंजा, अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे बार बार याद दिलाना होगा, अपना प्यार मुझे दिखाना होगा। वो फिर से उसके शोल्डर पर किस करता है और कहता है, और उसके बाद मैं भी फिर वही करूँगा। वेइंग को फिर मस्ती का सोचता है। वो वांग जी को फ्लिप करता है और इस बार वो उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी भी वेइंग की वेस्ट को पकड़ लेता है। वेइंग वांग जी की तरफ झुकता है। उसके सारे बाल वांग जी के फेस पर आ रहे थे। वेइंग उससे कहता है, तुम्हें पता है लंजा, वो बहुत जेलस था। मुझे याद है जब मैंने उसके सामने तुम्हें सेंसलेसली किस किया था, तो वो बहुत जेलस हो रहा था। वांग जी एकदम से शॉक दिखने लगता है तो वेइंग उससे कहता है, तुम्हें नहीं पता था? वांग जी तुरंत नामे सिर हिला देता है तो वेइंग कहता है, हंगुनजुन, तुम सच में एक केपेबल और सिनफुल मैन हो। एक के बाद एक प्रिटी मैन को सिड्यूस करते रहते हो। मैं शर्त लगा सकता हूँ वो शेमलेस वेवुशियन भी ना सोच रहा होगा कि किस तरह वो जिंगशी में तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सके, और तुम्हारे खुद के हस्बैंड के सामने ही। जब वेइंग अपनी शेमलेस बातें बंद नहीं कर रहा था तो वांग जी फिर उसे नीचे खींचता है और उनकी एवरीडे एक्टिविटी फिर से शुरू हो जाती है। कुछ टाइम बाद वेइंग फिर पेन में था। वो रोने का बहाना करने लगता है और वांग जी से कहता है, लंजा, तुम इतने मर्सीलेस क्यों हो? तुम इतने क्रूल हो, अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हो। वांग जी उसके स्वेटी शोल्डर पर किस करते हुए कहता है, तुम्हें नहा लेना चाहिए। वेइंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है जैसे कि वो वेइंग का ब्लैंकेट हो और उससे कहता है, नहीं लंजा, तुमने मुझे इतनी बुरी तरह थका दिया है, और गगा, तुम मुझे कब से यूज़ कर रहे हो? अब मैं सोना चाहता हूँ, मैं नहीं नहाने वाला। वांग जी उससे कहता है, तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। वेइंग यौन करते हुए कहता है, तो फिर तुम मेरे पास रहो ना, मेरे ब्लैंकेट की तरह, और मुझे वार्म रखो। तुरंत ही वांग जी की स्ट्रॉन्ग आर्म्स वेइंग को कस के पकड़ लेती हैं और वेइंग मुस्कुराते हुए वांग जी के चीक पर किस करते हुए कहता है, गुड नाइट लंजा, कल मिलते हैं। वेइंग को भी अपने फोरहेड पर एक किस फील होता है और वांग जी भी उसे गुड नाइट विश करता है। इस तरह वो दोनों सो जाते हैं और हमारा ये फैन फिक्शन यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
ओके गाइस, तो तीन फैन फिक्शंस मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें से मुझे बताना कि कौन सी स्टोरी लाइन आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। सबसे पहले तो मैंने सैली का रीड किया था, जिन्होंने हाउ टू बी अ हार्ट ब्रेकर लिखा था, उनका ही एक फैन फिक्शन है जिसमें एक ड्रैगन लंगवांग जी है और फॉक्स वेवुशियन है। शुरुआत में वांग जी ने वुइंग से सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि उसे अपनी क्लैन को एक वारिस देना था। वुइंग यहाँ पर आगे जाकर प्रेग्नेंट भी दिखाया जाएगा। स्टोरी बहुत अच्छी है, इसमें डार्क लंगवांग जी भी है क्योंकि वांग जी को पहले तो वुइंग से प्यार नहीं था। वुइंग को भी यही लगता है कि शायद वांग जी को उससे सिर्फ वारिस चाहिए, उसके बाद वांग जी को उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन बाद में उन दोनों में प्यार हो जाएगा। दूसरा फैन फिक्शन जो मैंने रीड किया था वो भी एक अरेंज मैरिज को लेकर है, लेकिन उसमें ड्रैगन या फॉक्स कुछ नहीं है, उसमें नॉर्मल वांग जी और वुइंग की शादी को अरेंज किया गया है। लेकिन शादी के बाद ही वुइंग को लैन एल्डर्स वांग जी के बारे में कुछ ऐसा बता देते हैं कि वांग जी की कोई सेक्सुअल नीड्स नहीं है और वांग जी को फिजिकल कॉन्टैक्ट से बिल्कुल नफरत है, इसीलिए वुइंग वांग जी के नज़दीक नहीं जा पाता। और वांग जी को लगने लगता है कि वुइंग को ज़बरदस्ती उससे शादी करनी पड़ी है, इसलिए वुइंग उसके नज़दीक नहीं आता। लेकिन इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद किस तरह उन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ती है, ये फैनफिक पढ़ने में भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं। तीसरा फैन फिक्शन एक मॉडर्न फैन फिक्शन है जिसमें तीन वुइंग है और तीन ही लंगवांग जी है। वांग जी अल्फा है और वुइंग ओमेगा है। टीनेजर वुइंग को पता चलता है कि वो अपने अल्फा बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट हो गया है। उसे डर लग रहा है कि शायद उसका अल्फा बॉयफ्रेंड उसे छोड़ देगा, लेकिन लैंचरन ये बातें सुन लेता है और लैंचरन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने वाला। यानी इस फैन फिक्शन में लैंचरन वुइंग और वांग जी के रिलेशनशिप को सपोर्ट करेगा। तो मुझे कमेंट में बताना कि इन तीनों में से मैं कौन सा फैन फिक्शन पहले स्टार्ट करूँ। मुझे तो नंबर 1 वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि वो सैली का लिखा हुआ है। सैली का लिखने का तरीका ही इतना इंटरेस्टिंग होता है कि बस फैन फिक्शन पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। आप लोग बताना कि कौन सी स्टोरी सबसे अच्छी लगी है। फिर हम कल मिलते हैं अपने नए फैन फिक्शन के साथ। ओके, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।